आप सबों का हमारे चैनल अवधेश कुमार पर। आज हम आपको बुल बैरल के बारे में बताएंगे, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। पहले बुल बैरल क्या है इसको आप देख लीजिए। देखिए हमारे पास में जो राइफल है इसका जो बैरल है ये बुल बैरल है। देखिए ये जो बैरल है ये बुल बैरल है, और नॉर्मल बैरल क्या है वो भी दिखा देते हैं आपको। और ये जो है ये नॉर्मल बैरल है, ये बुल बैरल नहीं है, ये नॉर्मल बैरल है। अब बुल बैरल और नॉर्मल बैरल में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बुल बैरल को का जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो 1876 में फिलिप बेबली ने किया था। इंग्लैंड के फिलिप बेबली ने 1876 में इसका आविष्कार किया था, और तब से ये शूटिंग वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है। अब बुल बैरल बनता है किससे? तो नॉर्मली ये आयरन से बनता है, जो ऑर्डिनेंस मटेरियल होता है, माना ऑर्डिनेंस का जो लोहा होता है उससे बनता है, अल्मीनियम एलॉय का बनता है, इन दिनों फाइबर का भी बन रहा है। फाइबर का जो बन रहा है वो केवल कॉस्मेटिक है, वो शो पीस है, वो वर्केबल नहीं है, वो केवल दिखने दिखाने के लिए कि वो बुल बैरल है, बस शोभा। अब देखिए जब गोली फायर होता है तो अचानक से गैस बैरल में बनता है, अचानक से ब्लास्ट होने पर, और जो गैस बनता है उससे बैरल में प्रेशर बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन हो जाता है, तो आपका एक्यूरेसी फेल करता है। बुल बैरल इसको रिड्यूस करता है। बुल बैरल का जो बैरल होता है वो स्टिफ होता है, इससे आपका जो है सो मजबूती बढ़ती है और वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है स्टिफनेस के वजह से। और जब आपका गोली बैरल के भीतर से राइफलिंग में फंस करके निकलता है तो उसमें जो ट्विस्ट होता है, टार्क होता है, उसको बुल बैरल कुछ हद तक रोकता है, इससे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। और नॉट ओनली दैट, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। टेम्परेचर शूटिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा मायने रखता है, तो बुल बैरल में टेम्परेचर देर से चढ़ता है, देर से उतरता है, और इसकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो आपका जो बोर का साइज में अप डाउन जो होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, विजिबली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन होता है, वो कंट्रोल होता है इसमें, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है शूटिंग वर्ल्ड में, चाहे लॉन्ग रेंज हंटिंग हो, स्नाइपिंग हो, या आपका जो है सो टारगेट शूटिंग हो लॉन्ग रेंज, इसमें ये आपको एडवांटेज देता है। अब इसका डिसएडवांटेज भी बता देते हैं। पहला डिसएडवांटेज इसका पॉकेट पर है, आपका पॉकेट कटता है, इसमें ज्यादा पैसा लगता है। दूसरा डिसएडवांटेज आपको कहीं पहाड़ी पर आप हंटिंग में जा रहे हैं तो ढोने में बहुत तकलीफ होती है, ऊंचे हाइट वाले पहाड़ी पर, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं, उससे ज्यादा एक्यूरेसी होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये बुल बैरल नाम जो पड़ा है ये
के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम पर ही पड़ा है, इसका नाम बुल बैरल। ये इंटरेस्टिंग थिंग है, ये जान लीजिए। तो चलिए आज ये छोटा टिप्स आपको दिए, शूटिंग में या जब भी खरीदने के लिए वेपन जाइए तो प्रयास कीजिए बुल बैरल ही लेने का। थैंक्स, फिर मिलेंगे।